दोस्तों ये है सैमसंग का M10 और इसमें लग गया है फायर पी लॉक, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जी फायर पी लॉक लग गया है और इसको हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हम आपको आज इसका FRP लॉक हटाने के लिए बताएंगे कैसे हटाते हैं नए मेथड से, जो कि सबसे अलग है। माउस से हम बताएंगे इसका कैसे हटाते हैं इसका FRP लॉक। तो सबसे पहले हम इसका जो है सेलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करते हैं, स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये मांगेगा गूगल अकाउंट लॉक, इसको हम बैक करेंगे और उसके बाद में हम एक सिम लेंगे जिसमें हम लॉक कोड डालेंगे और उसको लगाएंगे इसमें, और जैसे ही लगाएंगे तुरंत इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे खींचेंगे इसको हम, तो इस तरह का हमको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम एक माउस लेंगे और उसमें लगाएंगे OTG ये, और इसको लगा देंगे नीचे। इसको लगाने के बाद में पासवर्ड, माउस कर्सर को हम ले जाके इस पे रखेंगे नोटिफिकेशन सेटिंग पे, नोटिफिकेशन सेटिंग। इसके बाद पासवर्ड डालेंगे अपना जो सिम में डाले हुए हैं और उसको ओके करके इसी पे हम क्लिक करते रहेंगे बार बार, जल्दी जल्दी नहीं हुआ फिर से करेंगे, चालू रखा। फिर उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं नोटिफिकेशन पे ले जाके माउस को कर्सर को क्लिक करेंगे और उसके बाद पासवर्ड डाल के ओके करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते रहेंगे लगातार, ये खुल गया ठीक है। फिर उसके बाद हम माउस को निकाल देंगे, माउस को निकालने के बाद में हम क्लिक करेंगे सी आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आल पे। फिर सबसे नीचे जाएंगे यूट्यूब पे जाने के बाद सबसे नीचे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट पे जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद हमारा क्रोम खुल जाएगा, क्रोम खुलने के बाद में हम यहाँ पे डालेंगे QUICK क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप को डाउनलोड करेंगे। इसको हम डाउनलोड करेंगे पहले क्रोम से, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका ये डाउनलोड APK। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा ये, कंटिन्यू प्रेस करो। क्विक शॉर्टकट मेकर ऐप डाउनलोड होने के बाद में इसको इंस्टॉल करना है, इसको ओके करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे और जाएंगे सीधा फाइल मैनेजर, फाइल्स को खोलेंगे और क्लिक करेंगे। बनाओ क्लिक करेंगे और इसमें एक मेमोरी कार्ड हम लगाएंगे जिसमें कि डाउनलोड होगा क्विक शॉर्टकट मेकर और डाउनलोड होगा इसमें गूगल अकाउंट मैनेजर। ने पेन ड्राइव लगा दिया है OTG के द्वारा, ये है पेन ड्राइव लगा दिया OTG से, इसको ओपन करेंगे। इसमें हमने दो फाइल डाउनलोड कर रखी है, एक है गूगल अकाउंट मैनेजर और इसको इंस्टॉल करेंगे, और एक ये 5.0 एंड वर्जन है इसको डाउनलोड करेंगे, गूगल अकाउंट मैनेजर इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद में हम फिर से जाएंगे क्विक शॉर्ट मेकर में इंस्टॉल करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के बाद में क्विक शॉर्ट मेकर ये देख सकते हैं आप, इसको इंस्टॉल के बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गूगल अकाउंट मैनेजर में जाएंगे, इसमें गूगल अकाउंट मैनेजर सर्च करके कहाँ गया, गूगल अकाउंट मैनेजर को खोलेंगे और जो ये लिखा है टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, ये आप देख सकते हैं टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, इसको क्लिक करेंगे और ट्राई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्राउज करेंगे। उसके बाद ये ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड हम डाल देंगे, पुश करो। ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के डालने के बाद में हम इसको लॉगिन कर देंगे, ये साइन इन हो रहा है,
लॉगिन हो गया, उसके बाद हम इसको रिस्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ से रिस्टार्ट हो गया, उसके बाद हम पेन ड्राइव को निकाल के रख देंगे। सैमसंग A10 है। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम ये मेमोरी सिम निकाल देते हैं, इसमें से हटा देते हैं, उसके बाद इसको ओके करते हैं। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप हमारे वीडियो को देख करके आप लॉक खोल सकते हैं मोबाइल का, FRP लॉक। दोस्तों जो है इसमें मैं अकाउंट जो मैंने डाला है वो ऐड बताने लगेगा, तो अकाउंट ऐड बताएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, अकाउंट ऐड हो जाएगा इसमें। बाद इसको आप नेक्स्ट करते जाइए। उसके बाद दोस्तों उसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट के बाद स्किप करेंगे, स्किप फिनिश। इस तरह से आप सैमसंग का लॉक खोल सकते हैं। दोस्तों इस तरह से इसका लॉक खुल जाएगा और इसमें आप अपना अकाउंट हटा सकते हैं। फिर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।